हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी दोस्त अनीका और आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी मूवी का जिसका सबने ट्रेलर देखा था और मैं दिल से बहुत एक्साइटेड थी। वो मूवी है लव स्टोरी। लव स्टोरी मूवी तेलुगु में रिलीज हुई है, पर ये मूवी देखना थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि ये थिएटर में आई है और आजकल हम लोग को आदत पड़ गई है घर बैठे OTT में सारी मूवीज़ देखने की। पर क्या करें, अब डायरेक्टर्स चाहते हैं या एक्टर एक्ट्रेस चाहते हैं कि घर से बाहर कदम निकालो, थोड़ा खर्चा करो और मूवी देखो। पर ठीक है, अभी मैं आपको पहले रिव्यू देती हूँ मूवी का, जिससे आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि आपको कदम निकाल के घर से बाहर जाने की मेहनत करनी है या नहीं, और किराया भाड़ा लगा के मूवी देखने जाना है कि नहीं। पर तेलुगु मूवीज़ मैक्सिमम मुझे सारी पसंद आती हैं क्योंकि वो अच्छी होती है, और ये मूवी कैसी होगी ये सब तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं मूवी के बारे में। लव स्टोरी नागा चैतन्य और साई पल्लवी मूवी में मेन कास्ट में है, और डायरेक्टर शेखर, ये बहुत सारी टॉलीवुड की मूवीज़ दे चुके हैं जो कि सुपर हिट रही हैं। पर आज तक इनसे एक शिकायत रहती थी हमेशा, मूवी बहुत अच्छी आती थी पर वो कहते ना, एक डेप्थ जो होती है, मतलब गहराई फीलिंग्स की, उसमें नहीं उतर पाती थी। अब ये गहराई इनने इस मूवी से भर दी है। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे नागा चैतन्य का बचपन दिखाया जाता है। उनका नाम इस मूवी में रेवंत है, और बचपन से ही वो थोड़े गरीब हैं, और बोलना चाहिए कास्ट का जो बैकवर्डनेस है और जो मतलब नीची जात एंड ऑल वाला फंडा है, और ये सब ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था। तो मूवी में नया क्या है, मूवी में नया क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मूवी में उनको दिखाया गया कि वो नीची जात के हैं, और इस वजह से उनको हमेशा बहुत डिफरेंस, मतलब सबसे एक सोसाइटी से एक डिफरेंस फील होता है और उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है। पर उनकी माँ बड़े उदार विचारों वाली थी, वो बच्चे को बहुत प्रोत्साहन देती है और आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वो हर माँ करती है, और इसलिए हम सबको अपनी मदर्स को कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। स्पेशल थैंक यू टू ऑल मदर्स। बट ये टॉपिक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे टॉपिक है लव स्टोरी का। लव स्टोरी इन दोनों के बीच में कैसे शुरू होगी। साई पल्लवी एक ऊंची जात, मतलब हायर कास्ट को बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है इसमें मोनिका या मौनी, जो कि भी ट्रेलर में बता दिया गया था। पर मौनी और नागा चैतन्य, मतलब मौनी और रेवंत के बीच की लव स्टोरी स्टार्ट होती है जब मौनी जाती हैं हैदराबाद और ढूंढना चालू करती है उनके लिए नौकरी, क्योंकि उनको बड़ा घमंड है कि वो बीटेक हैं। तो भाई, वो अकेली बीटेक नहीं है, बहुत सारे बीटेक वाले जॉबलेस हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे नौकरी मिलना एक कोरोना के लिए लड़ाई लड़ने जैसा है, ये अब सब नौकरी वाले जानते हैं। मौनी जाती है नौकरी ढूंढने, नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि उनके ग्रेड्स बहुत कम हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी, मतलब बैक बेंचर थी, या बोल सकते हैं पढ़ाई लिखाई में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैडम बस पास हो गई हैं। अब क्या करें, ये तो सब जानते हैं कि मैडम ओरिजिनल लाइफ में भी सिर्फ पास ही हुई होंगी, क्योंकि उनका टैलेंट किस में है, वो है डांसिंग, और ये मूवी में भी वही दिखाया गया है दैट शी इज़ द बेस्ट डांसर, और यहाँ पे भी वो चीज़ दिखा दी गई दैट शी इज़ द बेस्ट वन। उनका डांस मतलब आँखों को ऐसा लगेगा कि देखते जाओ। तो मौनी यानी हमारी साई पल्लवी ने सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई है। अब रेवंत क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रेवंत एक जुम्बा सेंटर चलाना चाहते हैं, पर क्या है, ये हर कोई जानता है कि मार्केटिंग और एक सुपर डांसर अगर मिल जाए, और वो भी लड़की हो, तो पक्का जुम्बा सेंटर चल जाएगा, और यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटेजी आ जाती है, और इसीलिए रेवंत चाहते हैं कि वो उनके साथ बिजनेस करें। यहीं से बस चालू होती है दोनों की लव स्टोरी। लव स्टोरी के साथ नॉर्मल सी बात है, थोड़ा रोमांस होगा और घर वालों से इश्यूज भी होंगे, वो सब अब मैंने कह दिया, कास्ट ऊपर नीचे की है तो ऑब्वियसली होने बनते हैं। पर यहाँ पे एक शेखर जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए हैं। वो मुद्दा है जो कि पूरी मूवी में दिखाया जाएगा थोड़ा थोड़ा, पर हमको समझ नहीं आएगा जब तक हम एंड नहीं देखेंगे। और अगर वो मुद्दा मैं आपको बता दूंगी तो आप मूवी एंड तक कैसे देखेंगे। अब मूवी इन ऑल टोटल दे बोलूँ तो मुझे तो मूवी अच्छी लगी। मूवी फर्स्ट हाफ जो था, मतलब इंटरवल के पहले तक, रोमांस था, कॉमेडी था, मतलब एक यूथ की लाइफ थी कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ था। सेकेंड हाफ
की बात करें तो शुरू होता है एक्चुअल ड्रामा, मतलब प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, वो कौन निकालेगा? हमारा हीरो तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही निकालने बैठा है। यार ऐसे हीरो रियल लाइफ में क्यों नहीं मिलते यार? पर ठीक है, अभी तो भाई रेवंत मतलब नागा चैतन्य से मूवी में ही काम चलाना पड़ेगा। जो दूसरा मुद्दा दिखाया गया है वो बहुत हार्ट टचिंग है और बहुत अच्छे से डायरेक्टर ने उसको प्रेजेंट किया है। अब जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे से, तो उनने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठाया है जिसमें फैमिली से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब यहाँ से आप लोग पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाएंगे और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्या है जो हमको घर वालों से डिस्कस करना चाहिए। तो घोड़े मत दौड़ाओ, जाके मूवी देख के आओ। मूवी एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत अच्छी है, ऑसम मूवी है। और ऐसा नहीं कि मुझे मतलब बोला जाए कि टॉलीवुड है इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, जैसा मैंने कहा मुझे तेलुगू की सारी मूवीज़ पसंद आती हैं, पर मूवी सच में बहुत अच्छी है। साई पल्लवी द बेस्ट डांसर, जैसा मैंने बोला उनने वो अपने डांसिंग स्टंट्स यहाँ पे भी दिखाए एंड दैट वाज मैसमराइजिंग। और नागा चैतन्य ने जो उसमें अपने इमोशंस या अपने एक्टिंग से जान डाली है वो मतलब कहने लायक नहीं है, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। सो दोनों जन अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में थे। सॉन्ग्स की बात करें, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं मूवी के और हर सिचुएशन को सूट भी हो रहे हैं, तो दिमाग लगा के मूवी को बनाया गया है। मूवी का एंड जो है वो मैंने जैसा कहा बहुत टची है, और वो क्यों है वो देखने के बाद पता चलेगा। पर ऐसा कुछ एंड में भी था जो लगा कि यार रह गया पूरा होना, तो वो पूरा होना क्यों रह गया वो सब तो आप एज इन मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मुझे लगा कि मूवी में थोड़ा सा कसर रह गई। ये सब तो हो गई मूवी की तारीफ। अब ज़्यादा तारीफ़ों के पुल किसी के नहीं बांधने चाहिए, मूवी में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होती है, और अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी मूवी बनाएंगे तो कमी तो पक्का निकलेगी। मूवी में जैसा मैंने कहा इतनी बड़ी, तो मूवी की लंबाई बहुत थी और वो काफ़ी स्लो चली। मतलब देखा जाए तो शुरू में ओके था, बट धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार कहीं हमको नींद ना आ जाए। टॉपिक्स अच्छे थे, पर फिर भी एक्टिंग सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ी सी स्पीड की कमी थी मूवी में। तो ये था मेरा एक सच मतलब ऑनेस्ट रिव्यू मूवी के बारे में, और इसी सच के साथ आप भी सच का सामना करें और मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा है। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।